और इस समय क्या रौनक बनी हुई है ये जानने के लिए तमाम सहयोगी हमारे शिवालयों के बाहर से मौजूद हैं। विवेक रोजौरिया हैं इस समय झांसी से और राम अवतार उपाध्याय जुड़ गए हैं आजमगढ़ से। आप दोनों को ही पहले सावन के सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। और पहले ये बताइए राम अवतार किस तरह की वहां पर रौनक है, शिवालयों में किस तरह से भक्त पहुंच रहे हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम है और किस मनोकामना के साथ आज बम भोले को प्रसन्न करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सबसे पहले मैंने तो सावन की आखिरी सोमवार के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ प्रिया जी। और आपको बता देना चाहता हूँ सुबह 4 बजे से ही मंगला आरती के बाद से पूरा यहाँ पर शिव भक्तों का रेला लगा हुआ है। महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सभी लोगों ने बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकती है, महिलाओं की भीड़ है। और पिछले साल भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जगह जगह हर शिवालय पर काफी भक्तों की काफी यहाँ पर रेला लगा है। सभी लोग बाबा को मनाने के लिए बेलपत्र मदार और सभी किसी भी तरह से बाबा को मनाने के लिए हर शिव भक्त सुबह से कतार से लग करके जला फेंक कर रहा है, जगह जगह किए जा रहे हैं। पूजा जी आपको बता देना चाहता हूँ कि सावन इस बार का 59 दिनों का था और जिसमें एक मास पुरुषोत्तम मास था उसे लेकर के भी इस बार शिव भक्तों ने पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ बाबा को मनाने के लिए हर सोमवार के दिन काफी उन्होंने प्रयास भी किया है। आइए हमारे साथ कुछ भक्त भी मौजूद हैं और हम आपको शिव भक्तों से भी बात कराते हैं। ये बताइए जरा, हेलो, आज सावन का आखिरी सोमवार क्या है? सावन के आखिरी सोमवार पर सभी शिव भक्त पूरी तरह से बाबा भोलेनाथ की उनकी पूरे पूजा पाठ में एकदम रम गए हैं, त्रिपुंड लगा करके। और आप कोशिश कीजिएगा तमाम भक्तों से बात करने की, आपके पास लौटेंगे, तब तक आप बात कीजिए और जानिए उनके मन में किस तरह से मनोकामना है। विवेक रजौरिया हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं झांसी से। विवेक, इस समय आप जो शिवालय है, किस शिवालय के बाहर मौजूद हैं, वहाँ की रौनक जरा बताइए और कितनी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, चूंकि कहते हैं कि जो भोलेनाथ हैं वो तो भोले हैं, मन के भोले हैं, आप उपवास रखिए या ना रखिए, आप उनसे प्रार्थना कीजिए या नहीं कीजिए, सबकी वो सुनते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। विवेक, बिल्कुल पूजा, अगर हम बात करें झांसी की, तो झांसी का है आज सावन का आखिरी सोमवार है, सुबह से ही शिवालयों पर लगा हुआ है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार शिवालय से जो महिलाएं हैं वो निकल रही है, भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर बाहर निकल रही है। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि आज जो सोमवार है सावन का आखिरी सोमवार है, जिसको लेकर काफी उत्साह है जो भक्तों में है देखने को मिल रहा है। मंदिर के बाहर की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर हर एक मंदिर के कोनों पर जो है पुलिस बल भी तैनात किया गया है। अगर हम बात करें मंदिर में आने वाले भक्तों की, तो भक्तों का जो उत्साह है तो देखने को काफी बेहद उत्सुक है, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है। कहा जाता है कि भोले बाबा जी, ठीक, थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम है राम अवतार आपके पास आते हुए। मुझे उम्मीद है कि आपने वहां पर जो भक्त पहुंचे हैं, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनसे बात की होगी। क्या सावन के इस बार 2 महीने रहे और ये आखिरी सोमवार है, कैसी वहां पर रौनक है और कैसा रहा, क्योंकि सावन मास को भगवान भोलेनाथ का मास कहा जाता है, महीना कहा जाता है, बहुत पवित्र और बहुत आस्था से लबरेज रहते हैं तमाम श्रद्धालु। क्या मन में, क्या भक्तों के मन में क्या है, क्या भाव है? राम अवतार आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, रुक करेंगे अपने सहयोगियों की ओर, लेकिन लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से खासी रौनक है और तमाम जो मंदिर में भक्त हैं वो जुटे हुए हैं, बाबा भोले को प्रसन्न कर रहे हैं। सावन का आज आखिरी सोमवार है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में 4 बजे से ही, यानी मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही भक्त वहां पर पहुंच जाते हैं अपने बाबा को प्रसन्न करने के लिए, मनोकामना जो पूरी होती है उसका धन्यवाद अदा करने के लिए पहुंचते हैं, या मन में कोई भाव है, कोई मनोकामना है उसके पूर्ण करने हेतु तो, बाबा से विनती करने शिवालय पहुंचते हैं श्रद्धालु। आप तक आवाज पहुंच रही है राम अवतार जी? राम अवतार जरा बात करने की कोशिश कीजिए, जो श्रद्धालु, जो महिलाएं वहां पर मौजूद हैं।
राम अवतार, इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या क्या मनोकामना रही, भक्तों का भाव क्या है जब पहुंचते हैं शिवालय? तो कई भक्त तो ऐसे होंगे जो जिन्होंने मनोकामना कोई मांगी होगी वो पूरी हो गई होगी, और कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो किसी कामना के साथ पहुंच रहे होंगे शिवालय कि बाबा उनकी कामना पूरी कर दें। बिल्कुल पूजा जी, देखिए सभी लोग भक्त यही चाहते हैं कि हमारे परिवार में सुख समृद्धि और हमारा परिवार कभी निरोग रहे, और इसीलिए बाबा को जलाभिषेक भी करते हैं, दुधाभिषेक भी करते हैं, यहाँ तक कि आज सावन का आखिरी सोमवार है तो लोग रुद्राभिषेक भी कर रहे हैं। और पूजा जी आपको बता देना चाहता हूँ कि कई महिलाएं ऐसी हैं जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो बाबा को हर सोमवार को व्रत रख करके और बाबा को मदार फूल और धतूरा चढ़ा करके बाबा को प्रसन्न करती है। और महिलाएं तो काफी आस्था रखती हैं पूजा में, लेकिन पुरुष भी उसमें चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और कई संगठनों द्वारा बाबा का आज यहाँ विशेष श्रृंगार भी किया जाएगा जो शाम को होगा, और जिसके लिए पूरा बाकायदा अभी से ही तैयारियां जुट गई है और पूरे मंदिर को सजाया बजाया भी जा रहा है और पूरी तरह से पूजा पाठ किया जा रहा है। हमारे साथ आइए, एक भक्त यहाँ मौजूद है, देखिए त्रिपुर लगाए हुए हैं। बाबा का आखिरी सोमवार है, हर भक्त बस बाबा की भक्ति में लगा हुआ है। आप बातचीत कीजिए, आप जानिए सबके मन का भाव, किस भाव के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वापस रुक करेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सावन का आखिरी सोमवार है, हर अपडेट और हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे, एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।